हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और जैसे कि आपको पता है, हमने 10th मैथ्स की एमसीक्यू स्पेशल सीरीज स्टार्ट की हुई है। तो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टॉपिक खत्म हो चुका है और आज हम स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी के एमसीक्यूज। प्रोबेबिलिटी के जितने भी टाइप के एमसीक्यूज एग्ज़ाम में पूछे जाने के चांसेज है, वो सारे के सारे मैं आज आपको करवा दूंगा। सबसे पहले मैं कुछ आपको बेसिक्स बता देता हूँ प्रोबेबिलिटी के बारे में, कि जिस बच्चे को थोड़ा बहुत भी नहीं पता प्रोबेबिलिटी के बारे में, उसको भी ये चीज़ें समझ आ जाएगी। जैसे सबसे पहला जो एमसीक्यू आता है, सबसे फेमस है, वो आने के 100% चांस है, वो आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। इसको लिखने के कई तरीके होते हैं। देखो, वो ऐसे भी लिख देगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट, इसका फॉर्मूला 1 होता है। वो ऐसे भी लिख सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, ठीक है, वो ऐसे भी लिख सकता है इसको। दोनों का मतलब एक ही है। इसका मीनिंग क्या होता है ई और ई कॉम्प्लीमेंट का, मैं आपको एक एग्जाम्पल देके बताता हूँ। जैसे मान लो एक मैच हुआ इंडिया और पाकिस्तान के बीच, इंडिया और पाकिस्तान के बीच मैच हुआ, आपने अपने दोस्त से शर्त लगा ली कि इंडिया मैच जीतेगी, उस इवेंट को आपने नाम दे दिया ई। इवेंट को हम कोई भी नाम दे सकते हैं, ए नाम दे सकते हैं, बी नाम दे सकते हैं। मान लो हमने ई नाम दे दिया कि इंडिया मैच जीतेगी, इंडिया विंस द मैच, इंडिया विंस द मैच। तो आपके दोस्त ने कह दिया कि ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि इंडिया मैच हारेगी। क्रिकेट के अंदर वैसे तो और भी बहुत पॉसिबल रिजल्ट हो सकते हैं, बट प्रोबेबिलिटी के अंदर हम दो ही चीज़ें मानते हैं, या तो इंडिया मैच जीतेगी और या फिर क्या होएगी, हारेगी। बस इसके अलावा कुछ टाई या ड्रो को हम कंसिडर नहीं करते। तो ई कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, इंडिया लूजिज द मैच, इंडिया लूजिज द मैच। अब आपको ये पता है कि आप अगर अपने दोस्त से ये शर्त लगा लो कि मैं आपसे शर्त लगाता हूँ कि या तो आज इंडिया मैच जीतेगी या फिर आज इंडिया मैच हारेगी, तो आप बताओ मेरे को, आपके जो शर्त जीतने के चांस है वो तो 100% हो गए ना, क्योंकि इंडिया मैच खेलेगी या तो वो जीतेगी या हारेगी, और आप उसको ये कह रहे हो कि या तो जीतेगी या हारेगी, तो इसका मतलब आपके चांस कितने हैं, 1। यानी कि 1 का मतलब प्रोबेबिलिटी में कितना होता है, 100% आपके ही चांस है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी के अंदर देखो, हम एक तो 100% बोलते हैं और एक हम 1 बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी के अंदर दोनों का मीनिंग एक है। 1 प्रोबेबिलिटी किसी चीज़ की होने का मतलब है उसके होने के 100% चांस है। जैसे एक टीचर है, मान लो आपको 100 में से 100 नंबर देता है वो, तो आप क्या कहते हो, मेरे 100% मार्क्स आए हैं, या 10 में से वो 10 नंबर देता है तब भी आप क्या कहते हो, 100% मार्क्स आए हैं। 10 को 10 से हम जब काटते हैं तो आंसर कितना आता है अपना, 1 आता है ना। तो वही कहानी है कि 100% का मतलब प्रोबेबिलिटी में कितना होता है आपका, 1 होता है। तो एक एमसीक्यू तो आपका ये बनता है कि ई और ई कॉम्प्लीमेंट दोनों का सम जो होता है वो 1 होता है। अगर आपको एक दे रखी हो, मान लो आपको कह दे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट है 0.3 और आपसे बोले कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बताओ, तो आप क्या करोगे, 1 में से 0.3 को क्या कर दोगे, माइनस करोगे, 0.7 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये मैं कहना चाहता हूँ, एक क्वेश्चन तो बनता है आपका इस पर। दूसरा क्वेश्चन आपका बनता है इसके ऊपर कि इवेंट्स कितने टाइप की होती है। दो टाइप की हम मेनली पढ़ेंगे, श्योर इवेंट्स और एक क्या होती है, इम्पॉसिबल इवेंट्स। इनके ऊपर पक्का क्वेश्चन आता है पेपर में, श्योर इवेंट और इम्पॉसिबल इवेंट। श्योर इवेंट का मतलब नाम से ही क्लियर है कि जो 100% होगी, जो 100% होगी, और इम्पॉसिबल का मतलब जो कभी नहीं होगी, जो कभी नहीं होगी। जैसे कि मान लो इंडिया और पाकिस्तान मैच खेलती है, आपने कहा या तो इंडिया मैच जीतेगी या पाकिस्तान मैच जीतेगी, मतलब कि 100% होगी, कोई तो होगा ही, या तो इंडिया जीतेगी या पाकिस्तान। आप ये कह दो कि इंडिया भी जीतेगी मैच और पाकिस्तान भी जीतेगी, ऐसा तो आपको पता है कभी हो ही नहीं सकता कि इंडिया भी जीत जाए और पाकिस्तान भी जीत जाए, तो ये क्या होती है, इम्पॉसिबल। जैसे आपने एक क्वाइन उछाला, क्वाइन के ऊपर आपको सबको पता है या तो क्या आएगा, हेड आएगा, और या क्या आएगा, टेल आएगा। तो आप अगर ये कह दो अपने दोस्त को कि ना तो हेड आएगा और ना टेल आएगा, तो वो इवेंट कभी भी नहीं होती, तो इसको क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। तो जो श्योर इवेंट होती है ना, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, ये डायरेक्ट आप याद रखना, ठीक है। श्योर इवेंट का मतलब उसके होने के चांस 100% है, और 100% का मतलब प्रोबेबिलिटी कितना होता है, 1। तो श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1, और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 0। यानी कि आपके शर्त जीतने के चांसेस कितने हैं, 0 है। इम्पॉसिबल इवेंट कितनी आपकी, 0 प्रोबेबिलिटी होती है। तो ये दो आपको ध्यान रखने हैं, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछे जाए तो 1, और इम्पॉसिबल इवेंट की पूछे जाए तो कितनी होती है, 0। ये मैंने आपको बता दिए। अब मैं आपको बताता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, ना तो वो श्योर हो ना वो इम्पॉसिबल हो। इसके अलावा एक कॉमन इवेंट है, जैसे कि मान लो आप कह रहे हो कि इंडिया आज मैच खेलेगी और वो जीतेगी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है,
आपके फेवर में भी हो सकती है और आपके अगेंस्ट भी हो सकती है, क्योंकि कुछ चांस इंडिया के जीतने के हैं और कुछ चांस के हारने के हैं। तो मैं ये बता रहा हूँ, कोई भी इवेंट जो ना तो इम्पॉसिबल हो ना श्योर हो, बाकी कुछ भी इवेंट हो सकती है, उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, वो जीरो या जीरो से क्या होगी हमेशा बड़ी, और वन या वन से हमेशा क्या होगी छोटी। यानी कि देखो, जीरो का मतलब क्या होता है 0%, और वन का मतलब क्या होता है 100%। आप एक बात बताओ, आप एक टेस्ट देते हो, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मान लो 10th क्लास तक आप पढ़ते हो और MCQ है, लेकिन वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है कि आपने अगर गलत उत्तर दे दिया तो आपके नंबर कट जाएंगे। नहीं, आपके नंबर कटेंगे नहीं, बल्कि वो मिलेंगे नहीं, बस जो एक नंबर मिलना था वो जीरो हो जाएगा। लेकिन आगे बड़ी क्लास में आप एग्ज़ाम देते हो, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। जैसे एक क्वेश्चन मान लो 4 मार्क्स का है, आपने अगर सही कर दिया तो उसके 4 मिल जाएंगे, लेकिन अगर गलत कर दिया ना तो -1 मिलेगा आपको, यानी कि एक नंबर आपका कट जाएगा। लेकिन प्रोबेबिलिटी के अंदर ऐसा नहीं है। जैसे मान लो आपने 100 नंबर का आपका पेपर हुआ, तो आपके मैक्सिमम मार्क्स कितने आ सकते हैं, 100 आ सकते हैं। यानी कि 100 का मतलब 100%, 100% का मतलब क्या होगा, एक। प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, एक। मिनिमम मार्क्स आपके कितने आ सकते हैं 100 में से, 0 ही आ सकते हैं, 0 से कम थोड़े किसी बच्चे के नंबर आएंगे, तो इसको बोलते हैं हम 0%। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से छोटी नहीं हो सकती और 1 से बड़ी नहीं हो सकती, आप ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। अगर परसेंटेज की बात करें तो 0% से छोटी नहीं होगी और 100% से बड़ी नहीं होगी, 100% से बड़ी नहीं होगी। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको ध्यान रखना है। पेपर के अंदर हर बार एक ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, आपको 4 प्रोबेबिलिटी दे देंगे, ये कह देगा इनमें से कौन सी किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, देखो मैंने मान लो आपको 4 प्रोबेबिलिटी लिख दी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है मान लो 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है मान लो 70%, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी है मान लो -0.3% और प्रोबेबिलिटी ऑफ डी जो है वो है आपकी 18/25। ये है, मैं कहता हूँ इनमें से कौन सी किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। अभी मैंने आपको क्या बताया, प्रोबेबिलिटी जो है ना किसी भी इवेंट की ई की, वो 0 और 1 के बीच में होती है, यानी कि 0 से छोटी नहीं होगी और 1 से बड़ी नहीं होगी। अब आप मेरे को बता दो, 1/2 क्या 1 से छोटा है क्या, मतलब आप कहोगे 1 या 1 से छोटी नंबर हो सकता है, तो ये 1 से छोटा है, मतलब ये पॉसिबल है। 70% मैंने कहा था, अगर परसेंट में आए तो 100% से बड़ा नहीं हो सकता आंसर, तो 70 तो छोटा है ना 100 से, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि ये क्या है 1 से छोटा ही तो है, ये नहीं हो सकता क्योंकि नेगेटिव नंबर किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये हम क्या लिखेंगे, दिस कांट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। माइनस वाला जो आंसर है वो आप रिजेक्ट कर देना, ये किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। अगर आपको ऐसा समझ ना आए, याद ना रहे, तो मैं आपको याद रखने का एक आसान सा तरीका बताता हूँ। आप मान लो आपने एक टेस्ट दिया, क्या ये जो प्रोबेबिलिटी है, क्या टीचर ऐसे नंबर दे सकता है क्या, 1/2, 1/2 का मतलब क्या होता है 1 out of 2, तो क्या ये मार्क्स आ सकते हैं क्या आपके। आप कहोगे जी बिल्कुल आ सकते हैं, 2 नंबर के पेपर में से 1 नंबर तो पॉसिबल है। क्या आपने पेपर दिया उसमें आपके नंबर 70% आ सकते हैं क्या, आप कहोगे जी बिल्कुल आ सकते हैं। आपने एक पेपर दिया, टीचर ने ये मार्क्स दे दिए, इसका मतलब 25 में से आपके नंबर आए कितने, 18, क्या आ सकते हैं क्या, मैं कहता हूँ बिल्कुल आ सकते हैं। लेकिन टीचर ने आपके नंबर दे दिए -0.3 और नेगेटिव मार्किंग थी नहीं, तो आप टीचर को कहोगे मैम आपने मेरे नंबर नेगेटिव क्यों दे दिए, अगर मेरा सारा ही पेपर गलत है तो आप मेरे को 0 नंबर दे दो, ये तो 0 से भी छोटा हो गया, तो इसका मतलब ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। टीचर बोलेगा कि ठीक है गलती से लिखा गया, ये आप काट दो, मैं दूसरे नंबर आपको दे देती हूँ, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो कि किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है और क्या नहीं हो सकती। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन मेनली प्रोबेबिलिटी पे बनते हैं, एक तो ये होते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और ई कॉम्प्लीमेंट, और एक श्योर इवेंट और इम्पॉसिबल इवेंट पे, और एक ऐसी इवेंट जो ना तो श्योर हो ना इम्पॉसिबल, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 0 और 1 के बीच में, 0 भी हो सकती है 1 भी हो सकती है और 0 और 1 के बीच में हो सकती है, ना तो 0 से छोटी होगी ना 1 से बड़ी होगी, आप इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आते रहेंगे, मैं बीच में आपको करवाते रहूँगा, जैसे क्वाइन वाले क्वेश्चन आते हैं, क्वाइन एक क्वाइन को उछाला जाता है तब क्या क्या केस बनते हैं, 2 क्वाइन को उछालेंगे, 3 क्वाइन को उछालेंगे, फिर डाइस के क्वेश्चन आते हैं, ये 1 डाइस को उछालेंगे तब कितने जो है ना केस बनते हैं,
दो डाइस को उछालेंगे तब कितने केस बनते हैं, और फिर क्वेश्चन आते हैं आपके किसके, प्लेइंग कार्ड्स के, जो ताश के पत्ते होते हैं, टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, 52। ये मैं आपको प्रोबेबिलिटी का जो डिटेल में लेक्चर पढ़ाऊंगा उसके अंदर सब कुछ बता दूंगा, क्योंकि यहाँ पे हम सीख रहे हैं एमसीक्यू। तो एमसीक्यू सीरीज आपको तब देखनी है जब आप पूरा चैप्टर पहले पढ़ चुके हो, क्योंकि यहाँ पे हम ये नहीं है कि पहले आपको एमसीक्यू समझाएंगे और फिर पूरे चैप्टर की डिटेल आपको बताएंगे। डिटेल आपको पहले पता होनी चाहिए तब आपको एमसीक्यू समझ आएंगे, ठीक है। एमसीक्यू सीरीज का मतलब ये है बच्चों को पढ़ाने का, एक तो उसको पता लगे कि पेपर के अंदर क्वेश्चन को कैसे हमें अटेम्प्ट करना है, यानी कि कम सॉल्यूशन करके और हम कैसे जल्दी से जल्दी उसका आंसर बता सकते हैं। तो ये हमारा मेन टारगेट है कि एमसीक्यू सीरीज का मतलब आपने कुछ कुछ चैप्टर पहले पढ़ रखा है तो आपके उन कॉन्सेप्ट्स की रिवीजन भी हो जाएगी, और साथ में आपको ये भी पता लग जाएगा कि पेपर के अंदर एमसीक्यू को अटेम्प्ट करने का तरीका क्या है और कैसे कैसे एमसीक्यू पेपर में आ सकते हैं। क्योंकि आपने कभी एमसीक्यू की प्रैक्टिस नहीं की और एग्ज़ाम देने गए, आपको पता लगे पहले 40 के 40 क्वेश्चन एमसीक्यू है, तो आपको देखते ही एकदम अजीब लगेगा क्योंकि आपने वैसे क्वेश्चन पहले कभी देखे नहीं है। लेकिन हर चैप्टर के मैं सारे पॉसिबल एमसीक्यू आपको करवा दूंगा तो पेपर में आपको कुछ भी नया नहीं लगेगा, आपको ये लगेगा कि सारे के सारे क्वेश्चन पहले हमने सोल्व किए हुए हैं, ठीक है। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। मैंने आपको क्या बताया था अभी कि कोई भी इवेंट ई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस उसका कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी, इन दोनों का सम कितना होता है, हमेशा 1 होता है, ठीक है। और यहाँ पे एक बात और नोट कर लेना, ई और ई कॉम्प्लीमेंट जो इवेंट होती है ना दोनों की दोनों, ये क्या कहलाती है, आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। इनको हमेशा क्या बोलते हैं, हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स बोलते हैं। एग्जाम में पूछा जा सकता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट इज इक्वल टू 1। तो वो भी एक ही बात है, यानी कि ई और ई कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है, हमेशा 1 होता है। अब देखो क्या कहता है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, इनमें से कौन सी किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, ध्यान रखना नहीं हो सकती। तो मैंने क्या कहा था, एक से बड़ी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, एक से बड़ी नहीं हो सकती, मैंने आपको समझाया था। अब आप देख लो पहला ही ऑप्शन क्या है, डेड है, 1.5 क्या होता है, एक से बड़ा, तो ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, तो आपका ये आंसर आएगा। बाकी चेक कर लो, एक टीचर आपके क्या 3/5 मार्क्स दे सकता है, क्या बिल्कुल दे सकता है। आपके मार्क्स 25% आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। 0.3 का मतलब क्या होता है, 3/10 ही होता है, तो क्या 10 में से आपके 3 नंबर नहीं आ सकते, बिल्कुल आ सकते हैं। तो ये इसका मतलब क्या होता है, 15/10, यानी कि 10 में से आपके नंबर कितने आ गए, 15, ये पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर क्या आ गया, आपका ए आ गया। ये देखो इसमें क्या कहता है, आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दे दी और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई पूछ ली। मैंने अभी आपको क्या बताया था फॉर्मूला, मैंने एक ही चीज़ आपको याद रखने को बताई कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट या नॉट ई, इनका दोनों का सम 1 होता है, उनमें से आपको एक बता दे और दूसरी पूछ ले, तो आपने किसकी निकालनी है, ई कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो 1 में से क्या घटा दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई घटा दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 0.321। अब इसके बाद काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कैलकुलेशन नहीं करनी आती कि 1 में से घटाएं कैसे। देखो 1 में से आपको घटाना है कितना, 0.321। यहाँ पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लगा दो, पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ 3 डिजिट है तो ऊपर भी क्या कर दो, 3 डिजिट, एक ही बात है। तो अब आप क्या किया करो, अब आप पॉइंट को भूल जाओ, ये ऊपर कितना लिख दो 10,000 और नीचे कितना लिख दो आप 321, इसमें से आप क्या कर दो, 321 को माइनस कर दो। आप इसमें से 321 को माइनस करोगे, आपका देखो आंसर आ जाएगा, क्या आंसर आएगा आपका सोचो, इसमें से आप माइनस करोगे तो आपका आंसर, हाँ ठीक है यही आएगा, ये कितना आ जाएगा आपका 9, और ये 9 में से 2 गए कितना आएगा 7, और ये कितना आ जाएगा आपका 9। मैं 10,000 में से क्यों माइनस कर रहा हूँ, आपको क्या करना है 0.321, 1 में से माइनस करना है ना, 1 में से आपको 0.321 माइनस करना है, 0.321, हाँ ठीक है। मैं यहाँ पे 30 लगा देता हूँ तो आपका आंसर आ जाएगा इसमें। तो ये क्या आएगा आपका, देखो 9 आ गया, ये 7 आ गया, ये 6 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आएगा आपका 0, तो 0.679 ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर होएगा। तो आपको 1 में से ये माइनस करना है, या आप क्या क्या करो, सीधा सीधा मैं आपको तरीका बताता हूँ। मैं यहाँ पे 10,000 नहीं, सॉरी 30 थी ना, तो मैं यही सोच रहा था कि ये 10 मैंने एक्स्ट्रा लगा दी। आप ये देखा करो पॉइंट के बाद यहाँ पे कितने डिजिट है, 1, 2, 3, 1 के बाद 30 लगा दिया करो, ठीक है, और इसमें से 321 को घटा दो, आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी, कितना आएगा 679, और स्टार्टिंग में क्या लगा दिया करो पॉइंट, बस 0.679 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। ये मेरे से मिस्टेक होगी, ऊपर 30 थी और मैं यहाँ पे 40 लिख रहा था, ठीक है, तो ये 30 ही आएगी।
अब इसमें देखो क्या कहता है क्वेश्चन, वन लेटर इज चूजन फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड सोसाइटी। आपको एक वर्ड लिख के दे दिया किसी ने सोसाइटी और कहता है इसमें से आप एक लेटर चूज कर लो कोई भी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ ए वोवल। और आपने उसमें से एक लेटर चूज कर लिया, प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो आपने लेटर चूज किया ना वो एक वोवल होगा। तो पहले मेरे को ये बताओ इसमें टोटल लेटर्स जो है ना वो कितने हैं, टोटल लेटर्स। ये क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव में भी आ सकता है और ऑब्जेक्टिव में भी। सब्जेक्टिव में आ गया तो कैसे लिखना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव के अंदर आएगा तो इसका हम ओरल आंसर बताई देंगे। टोटल लेटर्स कितने हैं आपके पास, एस ओ सी आई ई टी वाई, ये है। आपने इसमें से एक लेटर सेलेक्ट करना है और वो क्या होना चाहिए, वोवल होना चाहिए। तो फेवरेबल केसेज या फेवरेबल लेटर्स, इनमें से बताओ मेरे को वोवल कौन कौन से हैं। ये टोटल कितने हैं, सात। वोवल यानी कि स्वर ये आपके कितने हैं, तीन हैं, ओ आई और ई, यानी कि ये कितने हैं, तीन। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, फेवरेबल केसेज अपॉन में टोटल केसेज, यानी कि इन सात लेटर में से तीन लेटर वोवल है तो इसका आंसर कितना आएगा, 3/7। तो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो आप सीधा देख लेना नीचे तो कितना आएगा, 7। ऊपर इन 7 में से वोवल कौन से हैं, आई, ये ओ आई और ई, तो कितना ऊपर कितना आएगा, 3 आंसर आ जाएगा। अगर सब्जेक्टिव आएगा तो आप इस तरह से लिख के दिखाओगे, क्वेश्चन को पूरा करोगे। इसमें देखो क्या कहता है, अब दो क्वाइन को उछालेंगे अगर, टू क्वाइंस आर टोस्ट साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एट वंस, एट टुगेदर, एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम कह लो या टुगेदर कह लो, यानी कि एक साथ इन क्वाइन को हमने दो को उछाला, हमने दोनों हाथों में एक एक सिक्का लिया और उनको एक साथ हमने उछाल दिया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन हेड। अब आप पहले तो ये बताओ मेरे को, जब दो क्वाइन आप उछालते हो तो टोटल क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है। जब दो क्वाइन की बात करें हम, तो या तो दोनों पे क्या आएगा, हेड हेड आएगा, या दोनों पे टेल टेल आएगा, या एक पे पहले पे टेल फिर हेड, या फिर पहले पे हेड दूसरे पे क्या आएगा, टेल। तो ये टोटल केसेस कितने होते हैं, 4। तो ये तो आप ध्यान रखना कि जब भी आप दो क्वाइन को उछालोगे तो टोटल केसेस आपके कितने होते हैं, 4। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, एटलीस्ट वन हेड। एटलीस्ट का इंग्लिश में आपको मतलब पता होना चाहिए क्या होता है, कम से कम। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम, जिसको इंग्लिश में दूसरा इसका मीनिंग क्या है, मिनिमम। कम से कम एक हेड आना चाहिए। अच्छा, कम से कम एक हेड का मतलब क्या होता है, यानी कि एक से कम नहीं आना चाहिए, एक तो कम से कम है, यानी कि एक या एक से ज़्यादा। तो कम से कम का मतलब आज के बाद आप समझ गए, एक या एक से ज़्यादा हेड। अब आप मेरे को बता दो इन चार केसेस में से वैसे कितने केस है जिसमें एक या एक से ज़्यादा हेड आता है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। इन दोनों में तो एक आ रहा है और एक से ज़्यादा भी आ सकता है, इसको नहीं ले सकते क्योंकि इसमें तो एक भी हेड नहीं है। तो आपके फेवरेबल केसेस कितने आएंगे, 3 आएंगे, मैं यही आपको बताना चाहता था। देखो टोटल केसेस तो कितने आ गए आपके, अगर ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव आ गया तो बता रहा हूँ मैं, ऑब्जेक्टिव का आंसर तो हमें पता लग गया। टोटल केसेस कितने होते बताओ, हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल और टेल हेड। लिखने का तरीका बता रहा हूँ कि एग्जाम में आपको लिखना कैसे है, ठीक है। फिर फेवरेबल केसेस, फेवरेबल का मतलब जो हम लेके आना चाहते हैं, आप लेके आना चाहते हो एटलीस्ट वन हेड, यानी कि या तो दोनों हेड आए या फिर एक हेड आए, कम से कम एक बार तो हेड आना ही आना चाहिए, ठीक है। फिर आप क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखो फेवरेबल केसेज अपॉन में टोटल केसेज, पूरा लिखो ताकि एग्जामिनर के पास कोई चांस ही ना रहे कि वो आपका नंबर काट ले, ठीक है। फेवरेबल कितने, 3, टोटल कितने, 4, 3/4 इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आएगा। तो अगर आपको सब्जेक्टिव में लिखना पड़ेगा तो ऐसे लिखोगे, ऑब्जेक्टिव के लिए तो सीधा ही है 4 और उसमें से एटलीस्ट वन हेड, यानी कि कितना आएगा आपका, 3, ऊपर 3 आ जाएगा। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर पूछ लेता आपसे क्या, एटलीस्ट वन टेल, हेड की जगह क्या वर्ड आ जाता, टेल, तब भी इसके फेवरेबल केसेस कितने रहते, अपने 3 ही रहते, क्योंकि कम से कम एक टेल आए। तो देखो इनमें तो एक एक टेल है ही और ये भी केस ले सकते हैं क्योंकि इसमें भी टेल है, तो कम से कम एक टेल तो ज़रूर होना चाहिए उनमें। तो एटलीस्ट का क्वेश्चन आ जाए दो क्वाइन के क्वेश्चन में, या तो एटलीस्ट वन हेड या एटलीस्ट वन टेल, तो आपको पता होना चाहिए आंसर कितना आएगा, हमेशा 3/4 आएगा, ठीक है, ये बात है। अब देखो इसमें क्या कहता है, इसमें दो की जगह कितने कॉइन आ गए, अब 3 कॉइन आ गए। व्हेन 3 कॉइन्स आर टोस्ट साइमल्टेनियसली फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 टेल्स। आपको 2 टेल लेके आनी है, 2 टेल का मतलब होता है एग्जैक्टली 2 टेल्स, ना 2 से कम ना 2 से ज़्यादा। अब मैं 3 कॉइन का आपको और बता देता हूँ कि 3 कॉइन के अंदर टोटल केस कितने होते हैं। देखो 2 कॉइन के अंदर टोटल केस कितने होते हैं बताओ, 4 होते हैं। कौन कौन से, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, ये होते हैं। ये 4 इधर लिख लो और 4 इधर लिख लो, ये 4 केस इधर
और इधर, दोनों जगह लिख लो, ठीक है। अब हम तीसरा कॉइन उछालेंगे, उस तीसरे कॉइन के ऊपर या तो क्या आएगा, हेड हेड आएगा, यानी कि यहाँ तो सारे हेड लिख दो और यहाँ सारे क्या लिख दो, टेल लिख दो। बस तीन कॉइन उछालोगे तो ये टोटल आठ केस बनेंगे, इन आठ के अलावा कोई नया केस नहीं बनेगा और इन आठों में से कोई भी रिपीट नहीं है, ठीक है। आपको पता कैसे लगेगा पेपर के अंदर, तीन की जगह चार आ जाए मान लो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, देखो एक कॉइन को उछालने से टोटल कितने केस होते हैं, दो, तो दो को उछालोगे तो दो को दो बार मल्टीप्लाई कर दो, तीन को उछालोगे तो दो को तीन बार मल्टीप्लाई कर दो, चार को उछालोगे तो दो को चार बार मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे होते जाएंगे, ठीक है। ये टोटल कितने हो गए, आठ केस हो गए। इनमें से आपको देखो चाहिए क्या, आपको चाहिए दो टेल, यानी कि एटलीस्ट नहीं है, एटमोस्ट नहीं है, एग्जैक्टली दो टेल चाहिए। एग्जैक्टली दो टेल आप बताओ कहाँ कहाँ पे है, ये रे एग्जैक्टली दो टेल, ठीक है। आप छांट लो बस, और एग्जैक्टली दो टेल कहाँ पे है, देखो ये रे दो टेल और दो टेल ये रे, तो यानी कि तीन केस ऐसे हैं जिसमें दो टेल आपके आ रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बताओ, 3/8 होगी क्या, 3/8 इस क्वेश्चन का क्या हमारा आंसर है। तो मैं सारी चीज़ें आपको बताता हुआ चलूँगा कि आपका सब्जेक्टिव पेपर आ जाए तब भी आपका जो है ना ये क्वेश्चन काम आ जाएगा, और ऑब्जेक्टिव के अंदर तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन टिक कर ही सकते हो, ठीक है। अब देखो ये मैंने आपको बताया था, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए श्योर इवेंट, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, वन, और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जीरो। ये आ गया द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट, वो क्या होती है, जीरो। तो ये तो डायरेक्ट रिजल्ट है, आपको ध्यान रखने हैं। इसमें क्या कहता है, अब बात आती है, दो डाइस को जब एक साथ उछाला जाता है तो कैसा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनता है। दो डाइस को हम एक बार उछालेंगे तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है वो क्या होता है, सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ नंबर्स ऑन टू डाइस, दो डाइस के ऊपर जो नंबर आएंगे ना उनका सम कितना कितना हो सकता है। देखो एक डाइस मान लो आपने ये उछाला, एक डाइस आपने ये उछाला, कुछ नंबर पहले पे आएगा, कुछ नंबर दूसरे पे आएगा। पहले पे कम से कम एक तो आएगा, क्योंकि डाइस के ऊपर जो नंबर होते हैं वो जीरो जीरो तो होता ही नहीं, एक से लेके छः तक होते हैं, तीन चार पाँच छः। एक मान लो यहाँ पे आ गया, एक मान लो यहाँ पे आ गया, इन दोनों का सम कितना होगा, टू, यानी कि टू से कम तो हो ही नहीं सकता सम। तो क्या क्या आ सकता है सम, क्या क्या आ सकता है, वो दो भी आ सकता है, तीन भी आ सकता है, चार भी, पाँच भी, छः भी, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह और बारह, ये सब कुछ आ सकता है, ठीक है। अब सम टू आए, इसके फेवर में कितने केस है, सिर्फ एक ही केस है कि दोनों के ऊपर क्या आना चाहिए, आपका वन वन आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्या फेवरेबल केसेज, मैं सारा कुछ आपको बताया है प्रोबेबिलिटी के अंदर कि फेवरेबल केसेज किसके कितने होते हैं। मैंने कहा था आपको क्या, दो का फेवरेबल केसेज कितना होता है, एक। सम तीन आए, इसके फेवरेबल केसेज कितने होते हैं, दो। इसके फेवरेबल केसेज तीन, इसके चार, इसके पाँच और इसके छः। आपको क्या लिखना है, छः तक तो गिनती लिखनी है, उसके बाद बस छः से ज़्यादा मत लिखना, फिर नीचे से काउंटिंग स्टार्ट कर दो। यहाँ पे एक से स्टार्ट किया था ना, वापस एक से स्टार्ट करो, फिर यहाँ पे दो से करो, फिर यहाँ पे तीन से, यहाँ पे चार और यहाँ पे पाँच। तो ये टेबल बना लेना एग्जाम के अंदर, आपका हर एक क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। सबसे आसान मेथड है ये। अब इसका मतलब क्या होता है कि तो सम हमारा कितना है, 12 आए, तो उसके फेवरेबल में सिर्फ एक केस है। एक केस का मतलब है कि दोनों डाइस के ऊपर क्या 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 आना चाहिए, 6 और 6, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। सम 11 आए, इसका मतलब दो का मतलब है या तो 6 5 आएगा या फिर 5 6 आएगा, ठीक है, ये दो केस है। तीन केस का मतलब क्या है, सम 10 आए, यानी कि या तो 5 5 आ जाए, या एक पे 6 दूसरे पे 4, या पहले पे 4 दूसरे पे 6, ठीक है। ये ऐसे ये मतलब होता है इनका, जो मैं पहले आपको समझा चुका हूँ सारा कुछ। अब देखो आपको चाहिए क्या, टोटल केसेस तो कितने होते हैं, 36 होते हैं। एक डाइस को उछालते हो तो टोटल केसेस 6, दो को उछालोगे तो टोटल केसेस कितने होंगे, 36। अब आपको चाहिए क्या, सम 9। अब देख लो 9 सम आए तो इसके फेवर में कितने केस है बताओ मेरे को, 4। कौन कौन से 4 है, 9 कब आ सकता है सम, या तो पहले पे 6 दूसरे पे 3, या 3 6, या 4 5 और या फिर 5 4, बस इनसे ही आ सकता है 9 सम। तो फेवरेबल कितने केस हो गए बताओ मेरे को, 4, और नीचे टोटल कितने हैं, 36। 4 को 36 से डिवाइड करोगे आंसर कितना आएगा आपका, 1/9। तो सी ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है, ठीक है। तो आपको सिर्फ नॉलेज होनी चाहिए कि दो डाइस के ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं एग्जाम में, और उनका हम डायरेक्ट आंसर कैसे बता सकते हैं। ये टेबल बना लेना और आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसमें क्या कहते हैं, वही दो डाइस अपने उछाले, आपको सम क्या लेके आना है, मोर देन 5 लेके आना है, 5 से बड़ा आना चाहिए। 5 से बड़े का मतलब क्या होता है, या तो सम कितना आएगा आपका 6, या कितना आएगा 7, या 8, या 9, या फिर 10, या फिर 11, या फिर 12। अब आप देखो और का मतलब होता है आपको सभी केस, आपके फेवरेबल केसेस क्या करने हैं, ऐड करने हैं। आप मेरे को बताओ 6 के फेवरेबल केसेस कितने होते थे, 5। इस टेबल के अंदर देख लो 6 के फेवर में कितने केस होते हैं, 5, तो मैंने ये 5 लिख दिया। 7 के फेवर में कितने होते हैं आपके बताओ, 6, फिर एक एक घटा दो। 8 के फेवर में कितने होंगे फिर, 5। 9 के फेवर में 4।
टेन के फेवर में 3, 11 के फेवर में 2 और इसके फेवर में 1, इन सबको क्या कर दो, जोड़ दो, मतलब ये सारे के सारे केसेस आपके फेवरेबल है। 11 और 5 16 और 4 20, 20 और 6 26, 26 फेवरेबल हो गए, टोटल कितने होते हैं 36, 2 पे काट दो 13/18। इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या आएगा, 13/18। एक तो ये तरीका है सिंपल करने का, एक मैं ये कहता हूँ आपको, ये कह रहा है कि सम मेरा क्या आना चाहिए, 5 से बड़ा आना चाहिए। आप मेरे को बताओ, ये टोटल 36 केस होते हैं, 5 से बड़े का मतलब ये आपके केस नहीं हो सकते, ठीक है, टोटल 36 में से ये नहीं हो सकते। कितने हो गए ये, 3 और 3 6 और 4 10, ये 10 हटा दो, बाकी 26 में से कोई भी केस आ सकते हैं, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन का ऐसे भी पता लगा सकता था कि फेवरेबल केसेस कितने मेरे 26 है, लेकिन फिर भी नहीं आपका इतना दिमाग चलता तो आप सारे केस को जोड़ लो, ठीक है। 6 के फेवर में कितने होते हैं, 5 केस होते हैं, 7 के फेवर में 6 केस होते हैं, वो टेबल बना लेना और सबको ऐड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसमें देखो क्या कहता है, ए नंबर इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम 1 to 75, यानी कि 1 से लेके 75 तक में से आपने एक नंबर को सिलेक्ट करना है। द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ ए परफेक्ट स्क्वेयर, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ परफेक्ट स्क्वेयर नंबर होते क्या हैं, परफेक्ट स्क्वेयर नंबर्स, प्रोबेबिलिटी के अंदर ये कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन मैं जो जो पेपर के अंदर पूछे जाने की संभावना है वो सारी चीज़ें मैं आपको रिवाइज करा दूंगा यहाँ पे। परफेक्ट स्क्वेयर नंबर, जैसे हमें पता है 1 का स्क्वेयर क्या होता है, 1 होता है, 2 का स्क्वेयर कितना होता है, 4 होता है, 3 का स्क्वेयर कितना होगा आपका, 9, 4 का स्क्वेयर आपका होगा 16, 5 का स्क्वेयर आपका कितना होगा 25, 6 का स्क्वेयर 36, 7 का स्क्वेयर 49, 8 का स्क्वेयर आपका कितना होगा फिर 64, 9 का स्क्वेयर आपका 81, इस तरीके से आप लिखते जाओ, कहीं तक लिख लो, ठीक है। ये जो नंबर होते हैं ना, जो स्क्वेयर निकल के आए हैं, ये वाले जो नंबर होते हैं, ये इनको क्या बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वेयर नंबर्स बोलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वेयर नंबर्स। परफेक्ट स्क्वेयर नंबर्स का मतलब होता है कि जिनका हम स्क्वेयर रूट निकालें तो जो आंसर आएगा वो एक नेचुरल नंबर आएगा। जैसे हम 4 का स्क्वेयर रूट निकालें कितना आएगा आंसर 2, विच इज़ ए नेचुरल नंबर। 9 का स्क्वेयर रूट निकालें कितना आएगा 3, विच इज़ ए नेचुरल नंबर। इसी तरह से 100 का निकालें कितना आएगा 10, विच इज़ ए नेचुरल नंबर। तो इनको हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वेयर नंबर बोलते हैं। अब आप मेरे को बता दो, 1 से लेके 75 तक में कितने परफेक्ट स्क्वेयर नंबर होते हैं, भाई टोटल केसेस तो कितने होंगे 75, नीचे तो 75 आएगा, ऊपर क्या आएगा, 1 से लेके 75 तक में कितने परफेक्ट स्क्वेयर नंबर होते हैं, क्या आप इससे पता नहीं लगा सकते, देख लो ये यहाँ तक बस, 1 से लेके 75 तक में यही ऐसी संख्याएं हैं जो कि परफेक्ट स्क्वेयर है, बाकी तो है ही नहीं कोई भी, ठीक है। और ये 75 से क्या होगी बड़ी, तो ये काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8, भाई 64 है, 64 किसका स्क्वेयर होता है 8 का, तो यानी कि 8 ही है, तो आंसर कितना आएगा अपना 8/75, और ये इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। तो आपको सिर्फ परफेक्ट स्क्वेयर की नॉलेज होनी चाहिए, अगर पहले आपने नहीं भी पढ़ा था तो मैंने आपको बता दिया कि कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वेयर होते हैं। अब देखो ये आसान सा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी, देखो कैन बी है, एक आता है कैन नॉट बी, एक आता है कैन बी, यानी कि हो सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इनमें से कौन सी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, आप मेरे को बताओ। नेगेटिव वाले को तो मैंने क्या कहा था, आप रिजेक्ट कर देना, ये क्या है ऐसे ही रिजेक्ट कर दो, ये एक से बड़ी वैल्यू है, एक से बड़ी वैल्यू नहीं हो सकती, ये भी एक से बड़ी वैल्यू है, क्योंकि जिसका न्यूमिरेटर बड़ा हो, अगर न्यूमिरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से, तो वो वैल्यू क्या होती है हमेशा एक से बड़ी होती है ना, एक से बड़ी, तो ये भी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। बाकी क्या बच गया 18/23, आप बताओ 23 नंबर का टेस्ट हुआ 18 नंबर आपके आ सकते हैं ना, तो ये पॉसिबिलिटी है, ये नहीं है, क्यों, 7 नंबर के टेस्ट में से 8 नंबर आपके कैसे आएंगे, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो आपका आंसर क्या होगा, ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ये देखो फेस कार्ड के बारे में क्वेश्चन आ गए, एक कार्ड को आपने सेलेक्ट किया 52 पत्तों में से, प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो एक फेस कार्ड आ गया, फेस कार्ड कितने होते हैं मेरे को बता दो, 12 होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 12/52, 4 पे काट दो 3/13, इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आंसर, तो ये 3/13 आ गया। होते कौन कौन से फेस कार्ड, मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ, जो कार्ड होते हैं अपने किंग और क्वीन और जैक, किंग के टोटल कितने कार्ड होते हैं 4, 4 ही क्वीन होती है और 4 ही जैक होते हैं, इन सभी को मिला के हम क्या बोलते हैं फेस कार्ड, क्योंकि इनके ऊपर फेस छपा होता है, किंग क्वीन और जैक ये 12 पत्ते ऐसे होते हैं जिनके ऊपर तस्वीर छपी होती है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है फेस कार्ड बोला जाता है। अच्छा इन 12 में से टोटल 12 होते हैं, कलर के बारे में भी क्वेश्चन आ जाता है, इनमें से रेड कितने होते हैं और ब्लैक कितने होते हैं, ठीक है, इनमें से आधे आधे होते हैं, 6 रेड होते हैं और 6 क्या होते हैं ब्लैक। अच्छा इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है कि टोटल जो किंग 4 होते हैं
उसमें से रेड कितने होते हैं, ब्लैक कितने होते हैं। प्रोबेबिलिटी के अंदर आपको कुछ भी ना पता लगे ना तो आप हाफ हाफ कर दिया करो, दो रेड होते हैं, दो क्या होते हैं, ब्लैक। इसी तरह से जैक जो होते हैं वो भी दो रेड दो ब्लैक, ऐसे क्वीन दो रेड दो ब्लैक, ऐसे जो एस होते हैं, एस का मतलब इक्के, जो इक्के होते हैं वो भी चार होते हैं टोटल, दो रेड होते हैं आपके और दो क्या होते हैं, ब्लैक। तो ये सारी कहानी इस तरीके से आपको पता होनी चाहिए, फिर कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से सोल्व कर दोगे। अब इसमें देखो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, एक बैग के अंदर तीन रेड बॉल है, पांच वाइट बॉल है और सात ब्लैक बॉल है। आप एक बैग बना लो, इसमें क्या है आपकी तीन बॉल रेड है, पांच बॉल वाइट है और सात बॉल क्या है, ब्लैक है। टोटल कितनी होगी, 15 बॉल्स होगी टोटल, ये 15 बॉल्स होगी। आपसे पूछा क्या गया है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन फ्रॉम द बैग एट रैंडम, यानी कि इस बैग में से हमने एक बॉल निकाली, विल बी नीदर रेड नोर ब्लैक, यानी कि वो जो बॉल आएगी ना वो ना तो आपकी क्या होनी चाहिए, रेड और ना ब्लैक, मतलब ना तो ये हो सकती ना ब्लैक हो सकती। तो हमारे काम की बॉल कितनी है, सिर्फ ये पांच, मतलब कि हम जो बॉल लेके आएंगे वो वाइट अपने को लेके आनी पड़ेगी, तब हम शर्त जीतेंगे। ये कह रहा है ना तो रेड आए ना ब्लैक, तो कितनी बॉल हमारे काम की है, पाँच। टोटल बॉल कितनी है, 15। 5/15 को क्या बोलते हैं, 1/3। आंसर कितना आ गया, 1/3 आ गया। बहुत आसान क्वेश्चन था। ये देखो क्या कहता है इसमें, इफ़ एन इवेंट कैन नॉट अकर, कैन नॉट अकर का मतलब जो नहीं हो सकती, देन द प्रोबेबिलिटी, जो नहीं हो सकती उस इवेंट को क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जीरो। जो प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती, जो इवेंट हो ही नहीं सकती, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, हमेशा जीरो होती है। तो प्रोबेबिलिटी के आज मैंने आपको बेसिक क्वेश्चन भी करवा दिए, जो जो कंसेप्ट बताने वाली चीज़ें थी बीच बीच में वो भी मैंने आपको सारे बता दिए। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बाकी जितने भी बचे हुए MCQs है वो सारे के सारे कवर करेंगे, ठीक है। आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर।